रामू, अरे ओ रामू। हाँ माँ। चावल तैयार है। मम्मी आज शाम को इसमें पैसे डाल दूंगा। हाँ नहीं तुम नहीं डालोगे। नहीं आज शाम को मैं इसमें दो आने डाल दूंगा। नहीं तुम झूठे हो, नहीं डालोगे। मैं सच्चा हूँ, मैं आज देखो मैं आज शाम को इसमें चलो जी चावल खा ले। हम चावल खाएंगे जी। हम तो आएंगे। हाँ माँ चावल की थाली दे दे माँ। हम तो आएंगे। समझा? चाचा दाल का पत्तिका दे देना। अरे हाथ लंबा करके खुद ले लेना। माँ अभी उसके हाथ पीले नहीं हुए हैं, जब तक वो हमारे घर में उसे काम करने दे। चल डालना। मुझे घर से फिर निकालना भैया, पहले तुम भाभी ले आओ। मैं लाऊंगा। चलो भाभी तू ले आना, भाभी तू ले आना। चलो बच्चों खाना हो गया तैयार, पहले हाथ जोड़ लो। और गंगाराम बेटा तू चालू हो जा अपना। है गंगाराम। रामू की माँ जरा एक बात तो सुनो। कहो बहन। आज थोड़ा सा अनाज तो दो। अनाज? अनाज तो आज मेरे घर में भी नहीं है। चार छेने भी नहीं होंगे। माँ कुछ पैसे दे देना चाची को। पैसे कहाँ है बेटा, कल रात तू 2 रुपए लाया था, उसमें से 1 रुपए अनाज वाला ले गया और 1 रुपए में बड़ी मुश्किल से चला। इधर आओ बच्चों। ये लोग बैठ जाएंगे तो तुम लोग भूखे रहोगे। अरे चाची बच्चे तो भगवान बराबर होते हैं। बैठ जाओ। चलो ये खा। आज तेरे की ये खा। अलग गंगाराम। अरे कमू इधर ले तो इधर तू खा ले भाई। ये तो तू तेरे कमू उधर ले। तुम लोग चावलों के लिए इतना रोते हो? है छी छी छी, मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए बहुत सी चीजें हैं। आलू पेड़े पूरी हलवा बर्फी मिठाई लड्डू रसगुल्ले और खोपे की भी मिठाई, और आसमान की एक परी ने तुम बच्चों के लिए भेजा है। चलो बच्चों अब खाने के लिए तैयार हो जाओ और इसी बात पर जोर से ताली मारो। सूरज जरा आ पास आ, आज सपनों की रोटी पकाएंगे हम। है आसमां तू बड़ा मेहरबान, आज तुझको भी दावत खिलाएंगे हम। सूरज जरा आ पास आ, आज सपनों की रोटी पकाएंगे हम। है आसमां तू बड़ा मेहरबान, आज तुझको भी दावत खिलाएंगे हम। सूरज जरा आ पास आ। ठंडा पड़ा और पेट में आग है, गर्मा गर्म रोटियां कितना हंसी ख्वाब है। चूल्हा है ठंडा पड़ा और पेट में आग है, गर्मा गर्म रोटियां कितना हंसी ख्वाब है। सूरज जरा आ पास।
सपनों की रोटी पकाएंगे हम। ऐ आसमां तू बड़ा मेहरबान, आज तुझको भी दावत खिलाएंगे हम। सूरज जरा आ पास आ। आलू टमाटर का साग, इमली की चटनी बने, रोटी करारी सी के घी उस पे असली लगे। आलू टमाटर का साग हा, इमली की चटनी बने, ओए हो, रोटी करारी सी के घी उस पे असली लगे। सूरज जरा आ पास आ, आज सपनों की रोटी पकाएंगे हम। है आसमां तू बड़ा मेहरबान, आज तुझको भी दावत खिलाएंगे हम। सूरज जरा आ पास आ। बैठे कहीं छाव में आ, आज पिकनिक सही, ऐसे ही दिन की सदा हमको तमन्ना रही। बैठे कहीं छाव में आ, आज पिकनिक सही, ऐसे ही दिन की सदा हमको तमन्ना रही। आएंगे हम। ऐ आसमां तू बड़ा मेहरबान, आज तुझको भी दावत खिलाएंगे हम। ला 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 ओहो, ला 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 ला। उतार दे जा। आज मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी, नहीं तो तुम मेरे लिए कुछ नहीं लाओगे। अरे कहा तो मैं शाम को तेरे लिए सब कुछ लेकर आऊंगा, चल उतर। अरे तेरा छनछन, मैं शाम को दो आने का दर दूंगा, चल उतर। चल खून पसीना एक करने वाले पागल, जरा संभल के चल, आगे खाई है। कालू क्यों मारा मारा फिरता है सारा दिन रामू? बच्चों को कब तक स्वप्नों की रोटी खिलाता रहेगा? मैंने कई बार कहा कालू तू मुझसे ना मिला कर, तेरी बातों में मुझ पे कोई असर नहीं होता। असर नहीं रामू, वक्त अब भी है, फेंक दे ये हाथ गाड़ी और चल मेरे साथ। कालू जोश में क्यों आता है रामू, अब भी आजा मेरे रास्ते पर। कपड़ा अनाज रुपया तो किसी चीज का महताज नहीं। वो दिन कभी नहीं आएगा कालू, कभी नहीं। मेरी बात सुन रामू, नहीं तो एक दिन पछताना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कालू, कभी नहीं। राम कसम, कभी तो अपने आप रुक के बात कर लिया कर रामू। ऐ छबीले के बच्चे, चल। क्या है रे, बहुत दिमागदार हो गया है तू, बोलता कैसे है? देख छबीले, तू धंधे का टाइम में मेरे साथ मस्करी मत किया कर। अरे चल चल, बड़ा आया धंधा करने वाला, तेरे को बोझाई उठाना है ना, चल तू भी मेरे को इस तरह से सैर करा दे, चल चल ना। कहाँ की सैर करेगी तू छबीले? सिनेमा ले चल, थिएटर दिखा दे, रानी बाग घुमाला, नहीं तो लक्ष्मी देवी के दर्शन ही करा देना। आज तो तू अपने ही दर्शन कर ले छबीले।
तेरे दर्शन कर लूं। देख रामू, तू मेरे से ऐसी बातें ना किया कर। हाँ, मेरे को शर्म आती है राम दर्शन। और तू भी मुझे बीच रास्ते में नहीं रोका कर, किसी ने कुछ कह दिया तो मुझे दोष नहीं देना। हाँ राम कसम, तू तो बहुत ही कोरे दिल का आदमी है रामू। कोई भी भाषा नहीं आती तेरे को, दिल की भाषा भी नहीं समझता। है भाषा की बच्ची, क्या तमाशा लगा रखा तूने? चल उतर यहाँ से सीधा। जान नहीं उतरती। उछाल कर खड्डे में फेंक दूं तो बोटी बोटी अलग हो जाएगी। राम कसम। अरे हाँ रामू, आज तो दिवाली है ना, क्या लाएगा मेरे लिए आज शाम को? दो पैसे का बाजा, सारा दिन बजाती रहना। हाँ तो, इतनी बड़ी दिवाली और दो पैसे का बाजा। पैसे बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं छबीली, दो ढाई रुपयों के लिए सारा दिन खून पसीना एक करना पड़ता है, समझी? गरीब की जान क्या जान नहीं होती सेठ? ए, कौन हो तुम? मैं इस इलाके का दादा होता हूं। मेरे इलाके में कोई किसी को जान से मार कर भाग नहीं सकता। बोलो, फैसला यहां करोगे या पुलिस चौकी पर? पुलिस काली, भागो। सेठ साहब, आपने एक्सीडेंट किया है, आपको ऐसे भागना नहीं चाहिए। मैं माफी चाहता हूँ। हवलदार, सेठ साहब को पुलिस स्टेशन ले चलो। बैठिए। राम राम राम, खून तो बंद होने का नाम ही नहीं लेता। बड़े बेदर्द होते हैं मोटर वाले, गरीब बच्ची को नीचे देखकर रोका तक नहीं। चल उल्टी पार्टी के अस्पताल में ले चले, कुछ नहीं होने का। चल चल बेटी, चल। डॉक्टर साहब, इसे क्या हुआ? डॉक्टर साहब, सच पड़ गया, दिमाग पर बहुत सब चोट लगी है। बड़े डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। बड़ा डॉक्टर? हाँ, ऑपरेशन करना पड़ेगा। घबराने की जरूरत नहीं, सज्जन अभी आते ही होगा। लेकिन डॉक्टर साहब,
मेरी मुन्नी ठीक हो जाएगी ना? फिक्र मत करो, हम पूरी कोशिश करेंगे। मेरी मुन्नी ठीक हो जाएगी, लेकिन पैसों की जरूरत पड़ेगी। मैं पैसा कहां से लाऊंगा? रामू, घबरा नहीं रामू, ये लो रुपए और अपनी मुन्नी को बचा ले मौत के मुंह से। नहीं कालू, मुझे तुम्हारे रुपए नहीं चाहिए। मैं किसी के खून से अपनी बहन के जख्मों को नहीं धोना चाहता। मैं कहीं से भी रुपए मांग लूंगा। अरे पगले, यहां मांगने से कोई कुछ नहीं देगा रामू। लाला, 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 भर दे मेरी झोली, गरीब की दुआ ले ले लाला, मेरी मुन्नी को बचा ले, अस्पताल में मर रही है लाला। मैंने तेरे खानदान का ठेका ले रखा है क्या? आज एक मुन्नी को मौत के मुंह से बचा लिया तो कल दूसरी के लिए आ जाएगा मेरे पास। गरीब आदमी बगैर सोचे समझे औलाद पैदा करना जानता है, पैसे पैदा करना नहीं जानता। औलाद का ताना क्यों देता है लाला? ये तो भगवान की देन है। दुनिया में कोई औलाद को तरसता है और कोई रुपए को। गरीब पर तरस खाकर मुझे कुछ रुपए देते लाला। रुपए तो मैं तुझे दे दूं, लेकिन काम निकलते ही तू आंखें फेर लेगा। लाला, आंख फेर ली तो समझना कि माँ का दूध नहीं पिया रामू ने। तो रुपए चाहिए? हाँ, तो ले रुपए। ये ले लाला, लाला तेरा धन्यवाद, तो बहुत अच्छा आदमी लाला, बहुत शुक्रिया। लेकिन सुन रामू, अपनी माँ से कह देना कि मुन्नी के अच्छा होते ही संध्या का हाथ मेरे हाथों में दे दे। लाला, रख अपने पैसे लाला। एक बहन को बेचकर मैं दूसरी बहन को नहीं बचाना चाहता। मुन्नी मरती है तो मर जाने दे उसे। रामू, मुन्नी चली गई। चल मुन्नी, चल चल। रामू, रामू कहाँ ले जा रहे हैं मेरी मुन्नी को? कहाँ ले जा रहे हैं मुन्नी को रामू? लाश को जला दीजिए। तो लाश को यहाँ रख दो, लकड़ी सामने से खरीद लाओ। लकड़ी? हाँ। ये लीजिए लकड़ी। अब तो मेरी बहन को चला दीजिए। आजमा लिया? कहता था ना, यहां मांगने से कोई भी नहीं देता। रामू, जला दे इस हाथ गाड़ी को, छोड़ दे ये धंधा। मैं आया कालू। कालू, मैं आ गया। कालू, रामू, मैं जानता था एक दिन तू जरूर आएगा। रामू, कुछ देर पहले मेरी बात मान जाता तो तेरी मुन्नी बच जाती। रामू, खैर कुछ बात नहीं, अब तेरे घर में कभी ऐसी मौत नहीं होगी। रामू, आज से कोई भी भूखा नहीं सोएगा। अब हमारी जिंदगी में आंसू नहीं होंगे। रामू, उस्ताद, ये लो उस्ताद। रामू, ये चंदू है,
जिसकी उंगलियां कैंची के भी पर काटती हैं। तेरा भोला चेहरा, इसकी उंगलियां और मेरा दिमाग, बस ये समझ के बस्ती हमारी है। रामू, एक हमारा और भी साथी है जिसका नाम है भोलू। उसका दिमाग और उंगलियां दोनों एक साथ काम करते हैं। ले आया उस्ताद, ले आया। आज बंबई में हड़ताल थी, रोकड़ा मिला नहीं तो गधाई ले आया। अरे भोलू। रामू, यही है अपना साथी भोलू, और भोलू ये है अपना नया साथी रामू। रामू, ये ले 10 रुपए, घर जा और अनाज भर ताकि कोई भूखा ना सोए। बोलो, कल से रामू को अपने अड्डे पर ले आना। कालू उस्ताद, ये टेकरी आपके लिए नहीं। ये आंचल की छैया, जरा मुस्कुरा दे
सोचते ही सोचते सवेरा हो गया। रामू यह है कम्मो मेरी जिंदगी और कम्मो यह है रामू मेरा नया साथी। ये तो अभी बच्चा लगे है कालू। लो बीड़ी पियो। अबे शर्माता क्यों है, ये तेरी भावज लगेगी, भावज ले पी ले। भावज लगेगी, पहले मेरी मांग में सिंदूर तो भर, तब लाइयो अपने भाइयों को मेरे सामने। अरे कम्मो तेरी इन्हीं अदाओं पे तो हम मरते हैं। हमें किसने पुकारा? होश में आ भोलू। उस्ताद बुजुर्गों ने कहा है कि पीने के बाद होश में आना हराम है। हाय कालू उस्ताद। अरे कालू उस्ताद नहीं, कम्मू है। हाय हमारी कम्मू। लाचका जब मारा मैं भागना नहीं, मैं अभी मार लाता हूँ। अबे हाँ हाँ जा मार लेके आ। उस्ताद एक 10 रुपए देना। मैं हारने वाले को जिंदगी में रुपए नहीं देता चंदू। चंदू मैं जा रहा हूँ। वो जा रहा है उस्ताद। मैंने कह दिया ना कि मैं रुपए नहीं देता। बोले गांजे की कली तोड़ दुश्मन की नली तंग, गली का छोकरा मांगता है रोकड़ा। रामू यही मेरी दुनिया है। रामू यहाँ मैं हंसता भी हूँ, रोता भी हूँ और फिर सोचता हूँ। रामू रामू कालू बनने के लिए तुझे ये सारे काम करने होंगे। करूंगा कालू, जरूर करूंगा। आज मैं तेरी सारी बातें समझ गया हूँ कालू। कल तक मैं रामू था, आज मैं भी कालू बन गया हूँ। शाबाश रामू, अब तो जिंदगी को समझने लगा है रामू। ले इसी बात पर ये रुपए। 25 रुपए? हाँ रामू, और भाग जा, घर माँ तेरा इंतजार कर रही होगी। कालू तू वाकई यारों का यार है। कालू कालू को भूलना नहीं रामू। जवानी में गिरना अच्छा नहीं होता राम कसम। उई माँ। राह चलते मुसाफिरों को छेड़ना भी अच्छा नहीं होता राम कसम। वारे मुसाफिर, न थाली न लोटा न बिस्तर न सोटा, तू किस नगर का मुसाफिर है रे? प्रेम नगर का। वहाँ के मुसाफिर तो मैंने सुना है सब अंधे होते हैं। इसलिए तो चलते चलते गिरने लगा था। तो फिर गिरते गिरते बच कैसे गया? तेरा सहारा मिल गया ना इसलिए। ये देख कंगन कहाँ से लाया है रे? अरे आज नौकरी लगी है, 10 रुपए का कंगन लिया और बाकी ये रहे। अब तो खुश है ना? कंगन देने का मतलब जानता है ना? हाँ हाँ, तू बड़ी आई है मुझे मतलब समझाने वाली। राम कसम तू तो बहुत ही बुरा आदमी है रामू, दो बातें करके ही दूसरे का मन मोह लेता है। और तू भी तो आधी आधी रात तक मेरा रास्ता नापती है। अरे जा जा, मैं कोई तेरी बात देख रही थी, मैं तो किसी की तलाश में हूँ। किसकी तलाश में है तू? है एक। शकल सूरत कैसी है उसकी? शकल सूरत हाँ, तेरे से थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती है। अच्छा। गोरा गोरा, बहुत ही गोरा, देखने में बड़ा और उम्र का छोरा, चार हद का दिल, हर दिल का गोरा। आहा, उलिया बहुत अच्छा है, आखिर यह है कौन? मेरी गाय का बछड़ा। तेरे की, चल चल ला तू मेरे रुपए और जा ढूंढ अपनी गाय का बछड़ा। ओए होए 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 होए, बछड़ा ढूंढने में तेरी टांग दुखती है क्या? चल चल पहले बछड़ा ढूंढ, फिर मिलेंगे रुपए। दुनिया वालों से दूर, जलने वालों से दूर, आजा आजा चले कहीं दूर कहीं दूर। दुनिया वालों से दूर, जलने वालों से दूर, आजा आजा चले कहीं दूर कहीं दूर।
कहीं दूर। ना जुल्म का निशा है ना गम की दास्तां है, हर कोई जिसको समझे वो प्यार की जुबां है। दुनिया वालों से दूर, जलने वालों से दूर, राजा आजा चले कहीं दूर, कहीं दूर, कहीं दूर। चंदा कहेगा हंस कर, सीने पे हाथ रख कर, वो जा रहे हैं देखो दो प्यार करने वाले। दुनिया वालों से दूर, जलने वालों से दूर, आजा आजा चले कहीं दूर, कहीं दूर, कहीं दूर। ये ले माँ, 15 रुपए। घर को अनाज से भर दे माँ, चंद दिनों के लिए भूख तो तंग नहीं करेगी। पर इतने रुपए तो लाया कहाँ से? सुबह 10, 15। माँ माँ, मेरा जो मालिक है ना, बहुत बड़े दिल का आदमी है माँ। मेरे हालात सुनकर उसकी आंखें भर आई माँ, उसने झट से मुझे 15 रुपए दे दिए और कहा, जा बेटा अपने कर्ज चुका दे। हे प्रभु, भगवान, भगवान, आज तेरी दया से इस विधवा के दिन फिर गए। रामू के मालिक ने हम गरीबों पर तरस खाया, उसे लंबी उम्र देना भगवान, उसकी कमाई में बरकत डालना। किसी के लिए इतनी दुआएं ना मांग माँ, बस इतनी प्रार्थना कर कि संध्या के हाथ पीले हो जाए। हाँ बेटा, तेरा मालिक सलामत रहे, संध्या के हाथ पीले हो ही जाए। अब तो भगवान की दया से रामू की पक्की नौकरी लग गई है, तो अब संध्या के हाथ पीले कर डाल जल्दी से। लड़का तेरी तसल्ली का है ना? अपनी तसल्ली करके ही तेरे से बात की है मैंने। लड़का 50 से ऊपर कमाता है महीने का, तो आज बात पक्की कर, महीने 2 महीने में ब्याह भी हो जाएगा। पर बहन, हम तो कुछ लेने देने के काबिल नहीं है। लेने देने का उन्हें कोई लालच नहीं, उनका तो इतना ही कहना है कि आदमी शरीफ होनी चाहिए। हमसे ज्यादा शरीफ और कौन होगा चाची? तू बोलना, किसने शक किया है हमारी शराफत पर? अभी जाकर उसका मुंह ना लोच लू तो मेरा नाम छबीली नहीं राम को तुम्हारा। तू कहां से कहां जा पहुंची है? मैं तो संध्या के रिश्ते की बात कर रही थी। हाँ हाँ, तो फिर मुझसे बात करना, कौन है वो लोग? बनारसी दास के चाल में रहते हैं और लड़का साइकिल के दुकान पे काम करता है। हाँ बेटी, तो फिर ठीक है, आज ही हमें वहाँ ले चल, लड़का देखे वही बात पक्की हो जाएगी और हमारी शराफत की तसल्ली तू कर देना। कि वो तो मैंने उनसे कह दिया है, लड़के का भाई हद से ज्यादा शरीफ है। बस चाची, यही तो एक बात तूने झूठ कही है। क्यों रे रामू, क्या तू सचमुच शरीफ है? जरा अपनी शराफत की एक नजर इधर भी तो फेंकना। हाँ, तुझसे ज्यादा शरीफ हूँ मैं। देख माँ, तू अपनी चुलबुली की चोटी बांध कर रख, ये रात के 2-2 बजे तक पुल पर खड़ी होकर लोगों से मस्करी करती है। ओए होए 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 होए, तू रात 2 बजे पुल पे क्या करने गया था? हैं?
मैं अपने धंधे से वापस आ रहा था जी। अरे जा जा, रात के 2-2 बजे तक तेरा कौन सा दफ्तर खुला रहता है जी, जरा मैं भी तो सुनूं। देख माँ, रामू का ब्याह जल्दी से कर दे, नहीं तो हाथ से निकल जाएगा राम को। सुन, संध्या के हाथ पीले होते ही मैं तुम दोनों का ब्याह कर दूंगी। तू समझ में दे, शादी करूंगा है? मोटी अपनी शूर को देखे आने में। अच्छा माँ, मैं तो चला। अरे सुन, जा रहा है तो जल्दी वापस आ जाना। अगर आज रात 2 बजे मैंने तेरे को पुल पे देखा ना, तो 100 मजा के सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी। हाँ, याद रखना। तेरा तो भेजा खराब है, बोलती रहती है। क्या क्या क्या? अरे अब बस भी करो ना। हाँ तो रामू, संध्या का रिश्ता पक्का कर दू ना। हाँ माँ, उसकी शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा। तो फिर चल चाची, लड़के पे एक नजर डाल के आज रिश्ता पक्का करी है। चल चलो चलो। राम राम। कब क्यों चाची, यही लड़का है ना? हाँ, यही लड़का। अरे तो फिर इसको देखना क्या था, इसको तो 20 बार मैंने साइकिल की दुकान पे देखा है। क्यों, लड़का पसंद नहीं आया क्या? ओहो, पसंद क्यों नहीं आया जी, नाक नोकीली, आँख सुरमीली और मुंह का चोकटा तो ऐसा है कि देखते ही दिल में उतर जाए। मम्मा, ये। अरे घबराते क्यों हो राजा, मैं तेरे से शादी करने को नहीं आई हूँ, मैं तो लड़की की बड़ी बहन हूँ। बड़ी बहन चलेगा? अब चुप कर, बैठ जा। हमें रिश्ता मंजूर है बहन। मंजूर है तो फिर 2-4 रोज में मंगनी का कंगन भिजवा दो। क्यों मान लो कि मैं ठीक है ना? केसरी, देखो बहन, हमें लेने देने की कोई लालच नहीं, आदमी शरीफ मिल जाए तो समझ लो सभी कुछ मिल गया। अजी, सराफत ही सराफत तो है हमारे पास, और फिर लड़की का भाई तो देवता है, देवता।